इस समय मैं रंजीत राय माउंट हल्का न्यूज की तरफ से विशेष कवरेज में अपने आध्यात्मिक यात्राओं के साथ परसों सदगुरु पद्मश्री ब्रह्मर्षि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे मेरे प्रातः पूजनीय परम वंदनीय आचार्य श्री हरिहरपाल त्रिपाठी महाराज का महाशिवरात्रि के पर्व पर दर्शन करने के बाद कल मैं संकट मोचन श्री हनुमान जी का दर्शन किया, अपने पद्मश्री गुरु भगवान का दर्शन किया, उनके सुपुत्र प्रकांड ज्योतिषाचार श्री सुधांशु त्रिपाठी जी का दर्शन किया, गुरु माता का दर्शन किया। गुरु माता जी ने मुझे बाबा विश्वनाथ का प्रसाद प्रदान की और मुझे आशीर्वाद दिया कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता, जैसा ही तुम्हारा चरित्र व्यक्तित्व हो, तुम्हें दुनिया में सत्कर्मों से जाना जाए, तुम्हारी वाणी से अमृत वर्षा हो। सदगुरु भगवान ने कहा कि तुम जो भी कार्य करो वो पुनीत हो, प्रखर हो और जन कल्याण के लिए हो। इन सारी यात्राओं के साथ कल मैं रामगढ़ निवासी स्वर्गीय रामदास राय प्रधानाचार्य के सुपुत्र विनय राय जी के साथ सदगुरु भगवान के आदेशानुसार कि सारेनाथ का दर्शन करो, मैं पातालनाथ भैरव पातालनाथ बाबा का दर्शन करने पहुँचा, जहाँ रुद्र महायज्ञ चल रहा था जिसकी कल पूर्णावृत्ति थी। इस दिव्य वहाँ भंडारे में मैं शामिल हुआ। वहाँ से श्री विनय भैया के आरात विश्राम के बाद मैं आज सिकटिया धाम पहुँचा, जहाँ वहाँ संतों का आशीर्वाद लिया, दर्शन किया, रास्ते में कुरहन शास्त्रम पढ़ा, जहाँ मैंने शीश झुकाकर सदगुरु भगवान को याद किया। इस तरह से मैं इस समय इटौरा चौबेपुर में हूँ। आप इस मंदिर को देख सकते हैं, ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, जहाँ महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम होता है। महाशिवरात्रि के दिन निको ग्रुप के चेयरमैन इटौरा गांव के निवासी प्राख्यात समाजसेवी श्री बसंतलाल साव जी इस मंदिर में अपने द्वारा निर्मित माँ भगवती की कृपा से इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। यह वो दिव्य मंदिर है जहाँ हर वर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे दिव्य अवसर पे पूजा अर्चना होती है। आप लोग देख सकते हैं, यह इटौरा चौबेपुर में मंदिर स्थित है, बहुत ही दिव्य बहुत ही अलौकिक यह मंदिर है। इस मंदिर में लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आप देख रहे हैं, ये नंदी बाबा हैं जहाँ लोग अपनी अर्जी लगाते हैं। नंदी बाबा की बहुत महती कृपा है। नंदी बाबा के यहाँ अर्जी लगाने के बाद ही मनोकामना पूर्ण होती है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भगवान भोलेनाथ की महती कृपा होती है, क्योंकि इंसानियत इंसान को महान बना देती है, मेहनत हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों और मस्जिदों में पूजा करने, आस्था तो पत्थर को भगवान बना देती है, भगवान बना देती है। आस्था सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी सोच है, सबसे बड़ा संकल्प है आस्था। और जहां आस्था है वहीं संस्कार है, और जहां संस्कार है वहीं आस्था है। आप लोग देख सकते हैं, इस मंदिर के परिसर में बहुत ही सुंदर बेलपत्र का वृक्ष है, बहुत ही सुंदर बेलपत्र का वृक्ष आप लोग देख सकते हैं। यह मंदिर बहुत ही दिव्य बहुत दिव्य है मंदिर है। इसको दिव्य ढंग से बनाया गया है, सजाया गया है इस मंदिर को। आप लोग देख सकते हैं, यह मंदिर बहुत ही दिव्य है। इस मंदिर में हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन निको ग्रुप के चेयरमैन प्राख्यात समाजसेवी बसंतलाल साव जी आते हैं और दर्शन पूजन करते हैं। आप देख सकते हैं, मंदिर के पुजारी जी मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। बहुत ही दिव्य मंदिर है यह मंदिर, लोगों के आस्था और विश्वास का केंद्र है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर के जो भाग्यशाली व्यक्ति हैं, जिनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उन्होंने इस मंदिर को यहाँ निर्माण कराकर लोगों के दर्शनार्थ ये परम सौभाग्य जो प्रदान कराए हैं, वह व्यक्ति निको ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है। देख सकते हैं, मंदिर के सामने बरसीन जो पशुओं के भोजन की व्यवस्था है उसकी हरियाली आप देख सकते हैं, बिल्कुल मंदिर के सामने है यार। हाँ, आप लोग देख सकते हैं, ऐसा सुंदर, इतना शानदार, इतना मतलब मन को सकारात्मक बना देने वाला मंदिर, मन में अच्छे विचारों की ऊर्जा। हाँ, पुजारी जी जरा प्रसाद लगाकर हमको दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी आपकी। ये मंदिर के पुजारी हैं और पुजारी जी बहुत अच्छे इंसान भी लग रहे हैं। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है?
प्रमोद मिश्रा। हाँ हाँ प्रसाद हमको दे दीजिए। सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रुणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां उदयस्तव सर्व मनोवरत सिद्धिरस्तु उत्तरोत्तर वृद्धिरस्तु। जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राधे श्याम, ओम पार्वती पते हर हर महादेव। हाँ तो मंदिर के पुजारी जी, आपका शुभ नाम क्या है? प्रमोद मिश्रा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बनारस के रहने, बाबा विश्वनाथ की नगरी के रहने वाले, मां नपुड़ा जी के नगरी के रहने वाले, शंकर मोचन हनुमान जी के नगरी के रहने वाले, काल भैरव जी के नगरी के, मेरे परम पूजनीय परम वंदनीय प्रातः पूजनीय सदगुरु सरकार के, ब्रह्मश्री सदगुरु सरकार के जो है दिव्य स्थान, उनके निवास स्थान के रहने वाले, बाबा विश्वनाथ की नगरी के रहने वाले हैं आप। आप इस मंदिर के बारे में, शिव जी भगवान के बारे में नहीं, इस मंदिर की स्थापना और इसके मालिकान, इनके परम भक्त जो इनके मुख्य यजमान हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी। इस मंदिर के कौन मुख्य यजमान है? ये मंदिर के मुख्य यजमान बसंतलाल साहब जी हैं, जो चेयरमैन हैं निको ग्रुप के। और उनके पुत्र क्या करते हैं? उनके पुत्र की भी कंपनी है। क्या नाम है उनका? अरविंद जायसवाल, रमेश जायसवाल। आप हल्का न्यूज के माध्यम से शिव भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? शिव भक्तों को संदेश देना चाहते हैं, शिव मंदिर में आके दर्शन पूजन करें, आस्था को बढ़ाएं। क्या आप ये भी कहना चाहते हैं कि अपने माता पिता का सुबह उठकर पैर छुएं, बड़ों का सम्मान करें? जी, सबसे बड़ा तो धर्म वो है कि जो अपने माता पिता का सुबह जो है उठकर पैर छुए, आशीर्वाद लें। श्री रामचरितमानस में लिखा, मात पिता गुरु ना हो हूं माता। पूरा सुना दीजिए क्या लिखा हुआ है, पूरा सुना दीजिए। श्री रामचरितमानस का कोई चौपाई सुना दीजिए। शांतम शाश्वतमे प्रमेय मनघम निर्माण सिंधु परम। बोलिए सियावर राम चंद्र की जय, माता पार्वती की जय, ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। आप लोग, आपने एक दिव्य व्यक्ति जो इस मंदिर के पुजारी हैं उनको आप लोगों ने सुना। अब मैं आप लोगों को ले चल रहा हूं इस मंदिर के निर्माण का परम सौभाग्य प्राप्त करने वाले प्रख्यात समाजसेवी श्री बसंतलाल साहू जी के प्रतिनिधि नहीं कहेंगे हम, उनके दत्तक पुत्र की तरह हैं ये। इनकी बड़ी आस्था है श्री बसंतलाल साहू जी में, इस क्षेत्र के लिए बड़ा ये सामाजिक कार्य करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? अजय जायसवाल। आप किसी पद पे रहे हैं?